हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब। और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों अभी मैं हूं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दोस्तों यहां से अगर आपको सदर बाज़ार जाना है तो आप कैसे सदर बाज़ार जा सकते हैं, कितनी दूरी है, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहीं पर मेट्रो का गेट आपको मिल जाएगा, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। तो अगर आप मेट्रो से रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से निकल के आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप सदर बाज़ार जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप जैसे रेलवे स्टेशन से निकलेंगे तो आपको सबसे पहले रोड क्रॉस कर लेना है। रोड क्रॉस करने के बाद इस तरीके के आपको टुक टुक मिल जाएंगे, जो आपको मात्र 20 रुपये में ही सदर बाज़ार तक ड्रॉप कर देते हैं। 20 रुपये एक सवारी का है। अगर आप बुकिंग करके जाना चाहते हैं तो ये आपसे 50-60 रुपये लेंगे और आपको लगभग 10 मिनट का टाइम में आपको सदर बाज़ार पहुंचा देंगे। तो ये देखिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जस्ट सामने है, और इसी के साथ साथ में आपका सदर बाज़ार का रास्ता गया हुआ है। जस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है सदर बाज़ार, ज़्यादा दूर है नहीं। तो अगर आप किसी बिजनेस पर्पज़ से आ रहे हैं, कोई सामान लेने के लिए आ रहे हैं सदर बाज़ार में, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सदर बाज़ार। सदर बाज़ार में सबसे पहले ये पुल पड़ता है। यहाँ पे आज संडे है तो आपको काफ़ी सारे लोकल मार्केट यहाँ पे मिल जाएगा, और चीज़ें यहाँ पे सब्जी उब्जी दालें वाले यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आपको थोक के भाव में दाल, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो यहाँ से लगभग आप देखिए तो सदर बाज़ार एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पटरी वाले बैठे हैं जो छोटे मोटे चीज़ें आपको थोक में दे देते हैं, काफ़ी सस्ते दाम में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है बैग लेने में और अन्य चीज़ों में। तो यहाँ से आप अंदर आपको जाना होगा, ये लोकल मार्केट है। यहाँ से अभी अगर कुछ छोटा मोटा चीज़ ख़रीदना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए दालें मसाले सारी चीज़ें मिल जाएंगे। और सदर बाज़ार के अंदर इस तरीके से आपको दुकानें मिलेंगे जहाँ पर थोक के भाव में दर्जन दर्जन के हिसाब से आपको टेडी बियर और भी सारी चीज़ें जो लेना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। आज है संडे तो सदर बाज़ार संडे के दिन बंद रहता है, कुछ दुकानें खुली रहती है लेकिन आपको टाइम से आना होगा। शाम का टाइम है तो अभी लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो अगर आप सदर बाज़ार आ रहे हैं तो आप संडे के दिन ना आए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से पुरानी दिल्ली से आप सदर बाज़ार आ सकते हैं, न्यू दिल्ली से भी आपको ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आप पुरानी दिल्ली से सदर बाज़ार आ सकते हैं, कितना किराया और कितना टाइम लगेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है रास्ते को लेकर के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।